हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर गुड। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीशो कुर्ती हॉल, और ये स्पेशल इसलिए क्योंकि सारे आउटफिट्स आपको गोटा पट्टी से रिलेटेड मिलने वाले हैं, और जो भी कलर मैंने सिलेक्ट किए हर स्किन टोन में जाने वाले हैं, सब पे मतलब खिलके आने वाले इस टाइप के कलर मैंने लिए हैं। इसमें मैंने पिंक लिया है, ब्लैक लिया है, येलो लिया है, और सारे फेस्टिवल अप्रोप्रिएट हैं, आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं। और सबसे अच्छी चीज़, अंडर द बजट है, बिल्कुल प्राइस ही नहीं है, और क्वालिटी सबकी एवन है, और अच्छी क्वालिटी के मुझे रिसीव हुए। मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप वीडियो पूरी एंड तक देखोगे तो एक ना एक आउटफिट तो आप अपने लिए परचेज करोगे, नहीं तो विशलिस्ट तो कर ही लोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को देखते देखते सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल है उसको बजाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, काफ़ी लोग बोलते हैं कि दीदी कोड कहाँ है, तो जो भी प्रोडक्ट के कोड होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको मीशो नहीं पता क्या है, तो मीशो को आप मेरे लिंक के थ्रू डाउनलोड कर लीजिए। फर्स्ट परचेज में आपको 30% ऑफ मिलेगा, यानी कि प्राइस और लो होने वाले हैं, तो काफी अच्छा है। तो नॉट फर्दर डिले, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट कुर्ती की तरफ। कुर्ता सेट है जो वो इस टाइप से मुझे रिसीव हुआ था, काफ़ी प्रिटी कुर्ता सेट है ये वाला, और ये एक अंगरखा स्टाइल में है, और ये इसका फैब्रिक रेयॉन है, और मेरा साइज़ एल है, और इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है 40, तो अगर आप मेरी साइज़ के हो आप ले सकते हो। तो इस तरह का ये कुर्ता है, इसका जो ऊपर का है, और यहाँ पे इस तरह का इन्होंने गोटा पट्टी का वर्क किया, मैं आपको कैमरे में पास से भी दिखा दूँ, और ये गोल्डन वर्क कर रखा है, और यहाँ पे पिंक की इन्होंने जो गोटा पट्टी का वर्क है वो इस टाइप से नेक पे कर रखा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो ये वी नेक है इस कुर्ती को काफ़ी प्रिटी बना रहा है, और यहाँ पे जो इसकी क्वार्टर स्लीव्स है उसमें भी सेम जो पिंक लाइनिंग उन्होंने नेक पे दे रखी है वही सेम उन्होंने स्लीव्स पे करके दे रखी है, बोथ स्लीव्स में, तो इस टाइप के। और ये जो कुर्ता है ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, आई थिंक इसकी जो ये 40 इंच का है, अगर आप शॉर्ट हाइट को तो आपको काफ़ी अच्छा आ जाएगा, अगर लॉन्ग हो तो आपको ये शरारा या स्कर्ट के साथ आप वेयर करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके साथ मुझे पैंट मिली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह का अंगरखा स्टाइल है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से लटकन मिलती है, जो कि इस कुर्ती को काफ़ी प्रिटी बना रही है, इसकी ब्यूटी को इन्हेंस कर रही है। सारी कुर्ती इसी से अच्छी लग रही है, और ये आप जयपुरी बोलते हो ना इस स्टाइल को, तो पूरा फैब्रिक जयपुरी है, और फैब्रिक बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक आया है, इस तरह का नहीं है कि कुछ हल्का दिया है, अच्छी क्वालिटी का मुझे मिला है। और यहाँ पे जो इसकी स्लीट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे भी गोल्डन आपको गोटा पट्टी का वर्क मिलता है बोथ साइड, लेकिन बैक से जो कुर्ती है वो बिल्कुल प्लेन है, इस टाइप से पीछे उन्होंने कुछ नहीं कर रखा, फ्रंट में ही आपको गोटा पट्टी और ये लटकन ये सब मिलेगी। और ये आप देख सकते हो कितनी प्रिटी सी लगी हुई है, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये तो हमारी कुर्ती थी, तो काफ़ी अच्छी है, और इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, आई थिंक ये 529 की है जिस सेलर से मैंने ली थी, तो फैब्रिक मुझे अच्छा रिसीव हुआ। और इसका ये बॉटम मैं आपको दिखाती हूँ, नैरो पैंट हमें यहाँ पर मिली है, और पैंट भी काफ़ी अच्छी है, ऐसे नहीं है कि हल्की फुल्की दे दी, फैब्रिक इसका भी काफ़ी सॉफ्ट है, रेयॉन है, अच्छी क्वालिटी का है, और यहाँ पे इलास्टिकेटेड आपको मिलता है इजीली है, और काफ़ी अच्छा है बैठने में, अगर आप हैवी हो तो भी आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि पैंट का साइज़ उन्होंने छोटा कर दिया, पैंट काफ़ी अच्छी है लार्ज के अकॉर्डिंग। और जो पैंट का बिल्कुल नैरो बॉटम है वहाँ पर आपको इस तरह का गोटा पट्टी वर्क मिल रखा है। और फ्रेंड, मैंने इसको स्कर्ट के साथ वेयर किया था क्योंकि मुझे थोड़ा शॉर्ट लग रहा था कुर्ता, आप इसको स्कर्ट के साथ, शरारा के साथ, और जो इसका बॉटम आया उसके साथ वेयर कर सकते हो। तो आपको मैं दोनों तरीके से आपको इसको वेयर करके दिखाऊंगी, तो अगर आप टीनेजर हो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हो, आप फेस्टिवल में इसको वेयर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगने वाला है ये सेट, इसका जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी प्रिटी सा है, तो आप इसको ले सकते हो। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बढ़ते अपने सेकेंड कुर्ते की तरफ। तो फ्रेंड, सेकेंड जो मेरा कुर्ता सेट है वो भी काफ़ी प्रिटी है, आप देख सकते हो इस तरीके का मेरा ये कुर्ता है, और इसमें भी मेरा साइज़ एल है, 40 साइज़ है इसमें, और ये भी आपको रेयॉन फैब्रिक में मिलता है, और ये काफ़ी अच्छा मुझे सेट मिला था, आपको इसको मैं वीडियो के एंड में इसका प्राइस बताऊंगी। और इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने पूरा जो पैच हो रखा है सिल्वर कलर की गोटा पट्टी लगा रखी है, उसमें गोल्डन थी इसमें सिल्वर है, आपको मैं पास से भी दिखा दूँ, और मेरा साइज़ एल है इस तरीके से, और कुर्ते की लेंथ काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो 46 इंचेस में आपको लेंथ मिलती है, इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, और आपको स्लीव्स 3/4 मिलती है, स्लीव्स में भी आपको
कोटा पट्टी का वर्क मिलता है जो कि सिल्वर है। सिल्वर भी काफ़ी इन हो रखा है आजकल, अच्छा लगता है, बिल्कुल ब्राइट कर देता है फेस को अगर आप थोड़ा भी रेडी होते हो तो अच्छा लगता है। देखिए दोनों तरफ है ये, और इसमें ये जो है प्रिंट हो रखा है यहाँ पे, और इसमें और भी कलर अवेलेबल है, ग्रीन है, डार्क पिंक है, तो आपको जो पसंद है आप ले सकते हो। तो इस टाइप से आप देख सकते हो, काफ़ी प्रिटी कुर्ती है ये वाली भी मुझे लगी। आपको मैं बैक से दिखाती हूँ, ऑल ओवर सेम ऐसी है, आप इसको सिंपल फेस्टिवल्स हैं उसमें वेयर कर सकते हो, अच्छी है मतलब इस तरीके से। और फैब्रिक की बात करते हैं, फैब्रिक भी बहुत अच्छा इसका है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हल्का सा हो, आप देख सकते हो बिल्कुल सी थ्रू नहीं है, सी थ्रू बिल्कुल नहीं है, अच्छा फैब्रिक दे रखा है उन्होंने, और प्रिंट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो ये पैच है उससे तो काफ़ी प्रिटी लग रही है कुर्ती, तो अच्छी है, आप दूसरा कलर भी आप इसमें ले सकते हैं। तो ये कुर्ती भी मुझे काफ़ी पसंद आई है ना, फेस्टिवल अप्रोप्रिएट। अब मैं आपको इसका बॉटम दिखाती हूँ, बॉटम तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। तो इसमें आपको प्लाजो मिलती है, आप प्लाजो देख लीजिए, क्रीम कलर की प्लाजो है, उसका फैब्रिक भी कितना अच्छा है, और ये कितनी खुली है, इतनी ढीली है, मतलब प्लाजो में तो बहुत ही अच्छा उन्होंने फैब्रिक दिया इस तरीके से है। और बॉटम में भी आपको यहाँ पे गोटा पट्टी का वर्क कर रखा है, आपको मैं दिखाती हूँ, और स्टिचिंग भी काफ़ी अच्छी कर रखी है। इस कुर्ते की भी मैं आपको स्टिचिंग दिखा देती हूँ, स्टिचिंग काफ़ी अच्छी करी हुई है, नीट एंड क्लीन है, ऐसे नहीं है कि कहीं से भी कुछ निकल रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। कुर्ता काफ़ी प्रिटी है, और इसका प्लाजो तो बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, आप इसको सिंपल भी अपने लिए ले सकते हो कि थोड़ा अगर आपको ऐसा चाहिए गोटा पट्टी वाला तो आप ले सकते हो। अब मैं इसको प्राइस आपको बताऊंगी ना, 441 का, मतलब आपको 441 का ये पूरा सेट मिल रहा है, और क्या चाहिए, तो मीशो में ही अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप ग्रैब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा है। और मैं बोल रही हूँ इनका फैब्रिक बिल्कुल अच्छा है, A1 क्वालिटी का फैब्रिक है, और प्लाजो भी आपका काफ़ी जगह यूज़ होने वाला है क्योंकि क्रीम कलर का है। आप किसी भी आउटफिट में पहन लीजिए, आपका आपका काम बन जाएगा, आप इसको और भी आउटफिट में अपना वेयर कर सकते हो, किसी भी तरीके की कुर्ती आप इसको कर सकते हो, तो मल्टीपल यूज़ होने वाला है इस प्लाजो का, तो ये डेफिनेटली आप ले लो, ये वाला अच्छा सेट है। बढ़ते हैं अपने थर्ड आउटफिट की तरफ जो कि है पिंक कलर का, आप देख सकते हो काफ़ी प्रिटी है ये भी गोटा पट्टी वाला आपको कुर्ता सेट मिलता है। इसमें मैंने अपना साइज़ एल लिया था लेकिन मुझे एम रिसीव हुआ, ये बिल्कुल फिट है मुझे, लेकिन आप इसमें एल ही ऑर्डर करना, गलती से मुझे एम मिल गया। तो इस टाइप से है, यहाँ पे गोल्डन कलर का गोटा पट्टी का वर्क हो रखा है, मैं पास से दिखा देती हूँ, वी नेक है, और इसमें बाकी पूरी कुर्ती में फॉइल प्रिंट हो रखा है, जो गोल्डन प्रिंट बोलते हैं ना उस टाइप का हो रखा है। और यहाँ पे 3/4 स्लीव्स मिलती है आपको, 3/4 स्लीव्स मिलती है, और यहाँ पे भी इस तरह का वर्क हो रखा है, डिटेलिंग है पूरी, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे गोटा पट्टी का वर्क और वी नेक में आपको ये मिलता है इस तरीके से। और जो कुर्ते की लेंथ है काफ़ी अच्छी है, आई थिंक 47 इसकी लेंथ है, बिल्कुल काफ़ी लॉन्ग कुर्ती है ये वाला। आप इसको किसी शरारे के साथ, प्लाजो के साथ, या पैंट के साथ, और इसके साथ जो आया उसके साथ तो वेयर कर ही सकते हो, अगर मिक्स में अगर कुछ मैच करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। इस टाइप से है ये वाला, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला भी। अब मैं बैक से दिखाती हूँ, बैक से बिल्कुल प्लेन है ये कुर्ती, बस इसमें जो गोल्डन प्रिंट हो रखा है वो रखा है, काफ़ी अच्छी है, फेस्टिवल अप्रोप्रिएट है, आप इसमें गोल्डन दुपट्टा कैरी कर लीजिए तो काफ़ी अच्छा आपका सेट बन जाएगा। और इसके साथ आई है एक प्रिटी सी स्कर्ट, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी, यही वाली स्कर्ट मैंने ब्लैक के साथ पहनी थी जो आप ट्राई ऑन में देख रहे हो, तो काफ़ी अच्छी इलास्टिकेटेड आपको मिलती है, और मल्टीपल यूज़ होने वाला है इस स्कर्ट का, तो काफ़ी अच्छी है। और इसका फैब्रिक रेयॉन है, इस कुर्ते का फैब्रिक रेयॉन है, और स्कर्ट भी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि हल्की सी है, स्कर्ट का भी वेट है, बिल्कुल लाइट क्वालिटी की नहीं दी है, अच्छी क्वालिटी की दी है। तो ये वाला कुर्ता सेट भी मस्ट बाय है, फेस्टिवल में आप ले सकते हो, आप न्यूली वेड्स हो तो भी आप इसको कैरी कर सकते हो, अच्छा है ये वाला पेयर भी, और कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है पहनने के बाद। और फ्रेंड ये वाले जो मैंने आपको कुर्ता सेट दिखाया था इसका प्राइस है 558, तो है ना बजट फ्रेंडली, आपको अंडर द 600 आपको ये 558 में मिल जाएगा, इतना अच्छा प्रिटी सेट, और इसमें सारे साइजेस अवेलेबल है, बल्कि जो सारे सेट मैंने आपको दिखाए उसमें डबल एक्सेल तक अवेलेबल है, अगर आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग है तो उसमें आपको हैवी भी हो तो भी मिल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा सेट है ये वाला। अब मैंने कुछ ज्वेलरी भी मंगाई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ, तो ज्वेलरी फ्रेंड मुझे इस तरह के बॉक्स में रिसीव हुई थी, और ये मैंने झुमकी मंगाई थी इस तरीके से, काफ़ी ट्रेंडिंग है आजकल, और यही मैंने इसके साथ वेयर करी थी,
और इनको ना फ्रेंड जैसे पैकेजिंग आती है वैसे ही आप रखो तो इनकी पॉलिश बिल्कुल नहीं जाती। तो ये मीनाकारी के इयररिंग्स हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग है, इस तरह के काफ़ी अच्छे लगते हैं और काफ़ी मतलब ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं, अच्छे हैं। आजकल आप इनको ले, ट्रेंडिंग है, आप वेयर कर सकते हो, लाइट वेट है, इस तरह के आप कैमरे में देख सकते हो। तो मुझे काफ़ी पसंद है, इसमें काफ़ी कलर अवेलेबल है, मीनाकारी का वर्क हो रखा है और काफ़ी नीट एंड क्लीन काम कर रखा है, इस तरीके से है। इसमें जो भी आपको कलर पसंद हो आप ले सकते हो और अभी तो इनका प्राइस कम हो रखा है, 258 के हैं आपको मिलेंगे, मैंने थोड़े कॉस्टली लिए थे तो अभी आपको ये 258 के मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप इनको परचेज कर लीजिए, अच्छे लगते हैं, फेस्टिवल में आप इनको वेयर कीजिए तो और भी लुक्स आपकी अच्छी हो जाती है। तो फर्स्ट ये झुमका सेट है, मुझे काफ़ी पसंद है ये वाले, और सबसे अच्छी चीज़ लाइट वेट है, थोड़ा सा वेट है, ज़्यादा वेट नहीं है। तो ये फर्स्ट मैंने ज्वेलरी ली थी, अब मैं आपको सेकेंड दिखाती हूँ मैंने क्या लिया। सेकेंड ज्वेलरी भी मुझे फ्रेंड इस तरह के बॉक्स पे रिसीव हुई थी, ये एक मैंने नथ ऑर्डर करी थी, मुझे ऐसी दिख गई थी तो मैंने कहा चलो परचेज करके देखते हैं कैसी आती है। और इस नथ का प्राइस आई थिंक मुझे मिला था 185 की मुझे पड़ी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, काफ़ी प्रिटी है, काफ़ी अच्छा इसमें कुंदन का वर्क हो रखा है और यहाँ पे पूरे स्टोन से लगे हुए हैं और यहाँ पे ये बीट्स वाली, इस तरह की काफ़ी ट्रेंडिंग है आजकल, सिंपल सी भी आती है पर मुझे थोड़ी अच्छी लग रही थी वाली, और ये एडजस्टेबल है। तो इस तरीके से मैं कोई लुक करूँगी तो वेयर करूँगी, दिख गई थी तो मैंने कहा चलो लेते हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इस तरीके से आप इसको तो देख सकते हो कितनी प्रिटी लग रही है, तो इस तरीके से आप ले सकते हो, फेस्टिवल में या कोई फंक्शन है तो आप डाल सकते हो, अच्छी लग रही है स्टोन की, तो मैंने ऐसे ही ले ली। और जो फ्रेंड ये येलो वाला कुर्ता है ये भी काफ़ी प्रिटी है, ये आपको रेयॉन का कुर्ता सेट मिलता है और ये ओनली 320 का मुझे बड़ा है और इसमें मेरा साइज़ एल है, लेकिन मुझे मीशो ने ये डबल एक्सेल भेज दिया। तो इसमें आप ध्यान रखना, आप एक साइज़ डाउन ही लेना, अगर आपको लार्ज आता है तो एम ऑर्डर करना, अगर आपको मुझे लगा कि ये इन्होंने एक्सेल में 40 लिखा है तो मैंने 40 साइज़ को देखते हुए एक्सेल ऑर्डर कर दिया, जो कि मेरे पे बहुत ढीला है इसीलिए। तो अगर आप 40 हो तो आप एम ऑर्डर करना, अपना साइज़ चार्ट देख लेना, मेरे साथ तो ये मिस्टेक हो गई थी। कुर्ता काफ़ी अच्छा है, येलो कलर का है बिल्कुल, इसमें सारे प्रिंटेड जो है प्रिंट हो रखा है, फ्लावरी प्रिंट है इस वाले कुर्ते में और नेक पे डिज़ाइन दे रखा है, 3/4 स्लीव्स हैं और स्लीव्स पे भी इन्होंने गोटा पट्टी का वर्क दे रखा है। ऑल ओवर कुर्ता काफ़ी अच्छा है, जो इसकी लेंथ है वो उन्होंने 46 इंच दे रखी है, कुर्ते की लेंथ काफ़ी अच्छी है, आप इसे पैंट के साथ वेयर कर सकते हो, मैंने इसे पैंट के साथ वेयर किया। बैक से बिल्कुल प्लेन है और ये वाला देख सकते हो बैक से बिल्कुल प्लेन है, जो प्रिंट आगे दे रखा है वही उन्होंने बैक में दे रखा है और फ्लावर वाला ही प्रिंट है सब में हो रखा है और काफ़ी अलग सा मतलब उभर के आ रहा है इस तरह का कलर है इसका, येलो जो मैंने लिया, और भी कलर अवेलेबल है लेकिन मुझे ज़्यादा येलो पसंद आ रहा था क्योंकि ज़्यादा प्रिटी लग रहा था और थोड़ा चटक सा जैसे बोलते हैं ना उस तरह का लग रहा था, पर ऐसा नहीं है कि मस्टर्ड है, एग्जैक्ट येलो ही है, काफ़ी अच्छे वाला येलो दे रखा है। तो अच्छा लगता है अगर आपके घर पूजा है, सिंपल सा आपने कुछ पहनना है लाइट वेट तो उसमें आप इसको कैरी कर सकते हो, वेयर कर सकते हो, बिल्कुल हल्का है और मुझे काफ़ी पसंद आई है इसकी क्वालिटी, रेयॉन है और काफ़ी कम प्राइस में आपको इतना अच्छा गोटा पट्टी वर्क वाला कुर्ता मिल रहा है। तो ये खाली कुर्ता ही था, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वाला कुर्ता। तो यही था फ्रेंड मेरा आज का मीशो हॉल, आई होप आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना, और कंटिन्यू एक और वीडियो आने वाली है तो प्लीज़ चिपक के रहें और वीडियो को इंजॉय करें। मिलते मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय, लव यू ऑल।